हेलो बेटा, वेलकम। बेटा, जैसे कि 2.5 हमारी पूरी ही आइडेंटिटी से भरी हुई है, तो हम एक और आइडेंटिटी आज सीख रहे हैं जिसकी आइडेंटिटी के ऊपर क्यूब होता है। ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब, पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्यूब होना चाहिए। तो उसके लिए क्या हम राइट साइड में क्या उसकी आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो बेटा, इसको तो पहले आप मेमोराइज कर लीजिए किसी भी तरीके से, इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकते। अब बेटा, आइडेंटिटी में होता क्या है, आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो किसी ना किसी आइडेंटिटी से फेस उसका मैच करता होगा। अब आप इधर खुद देख लो, ये आइडेंटिटी मैंने लिखी है, इधर देखो इसका फेस और इसका फेस सेम है। क्यों? ब्रैकेट के ऊपर 3 है, ब्रैकेट के ऊपर 3 है। एक ये फर्स्ट पॉइंट है नोटिस करने वाला। सेकंड, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। बस ये दो पॉइंट नोटिस करो तो आपकी ये आइडेंटिटी, इसका मतलब इससे फेस मैच हो गया। आइडेंटिटी की दो साइड होती हैं, लेफ्ट साइड और आइडेंटिटी की राइट साइड। आपके क्वेश्चन का फेस लेफ्ट साइड से मैच हो गया तो ये वैल्यूज आप राइट साइड में रखोगे। कैसे? देखो जरा, इससे फेस मैच हुआ, इसके जस्ट नीचे इसकी वैल्यू लिख दो। ठीक है बेटा, अब आपकी आइडेंटिटी में ए है, लेकिन यहां पे ए के प्लेस पर 3x/2 दे रखा है, तो आप यहां साइड पे इसको लिख लो कि ए के प्लेस पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 3x/2। और बी के प्लेस पे ये देखो, बी के प्लेस पे हमारे पास आइडेंटिटी में बी है, लेकिन वैसे क्या है, 1। बस ये ए मिल गया आपको और बी मिल गया, दो वैल्यूज आपको निकालनी जरूरी है। फिर कहां रखोगे दो वैल्यूज का, क्या करना है, इस वाली साइड में, यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे में रखनी है। दैट्स इट, आंसर हो जाएगा। आओ बेटा रखते हैं, ए रखो पहले, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ए रखो 3x/2, और ऊपर का 3 नहीं हटाना, ऊपर का 3 लगा रहने देना। बी उठाओ, बी 1 है, फिर ऊपर 3, फिर प्लस आ गया, फिर प्लस लगाओ, फिर 3 आ गया, 3 लगाओ, फिर ए आ गया, 3x/2 दोबारा लगाओ, फिर बी आ गया, फिर 1 लगाओ। बस ए बी की जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट, ब्रैकेट को भी नहीं हिलाना, ब्रैकेट एज इट इज। ए क्या है, ए हमारा 3x/2 है, ठीक है, प्लस बी क्या है, 1 है, दैट्स इट, क्लियर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्यूब कैसे होता है, अंदर जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी चीजें हैं, सबको मिलेगा। 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 27, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, नीचे वाला नंबर का क्यूब नीचे ही रहेगा, 2 का क्यूब 8, तो 8, बस ये हो गया इसका आंसर। 1 का क्यूब 1 प्लस, अब ये देखो यहां पर क्या है, एक ये ब्रैकेट है जिसमें दो टर्म है 1 2, और बाहर जितने भी ब्रैकेट है उनकी सिंगल सिंगल टर्म है। तो पहले बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर लो आप, अभी अंदर वाले को, बाइनोमियल को मत देखो, दिस इज बाइनोमियल, मोनोमियल सारे मल्टीप्लाई करो, होने ये भी मल्टीप्लाई है चारों, लेकिन पहले हम 3 को करते हैं, मोनोमियल है। 3 3 दा, ऊपर वालों को कर दो पहले, नीचे को मत देखो, 2 को नहीं देखना अभी। 3 3 दा 9, 9 एक्स का एक्स, और नीचे 2 है तो 2 पड़ा रहने दो उसको, और अभी अंदर मत देखो, अभी हमने एज इट इज इसको लिख दिया। अभी ये एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं हुआ, ये सोल्ड है, ये सोल्ड है, सारा हमारा काम लगभग सोल्ड है, सिर्फ ये रहता है, इसको तो एज इट इज लिख दो, जो सोल्ड हो चुका है उसको हाथ मत लगाया करो, 1 को 1 रहने दो, बस अभी ये सोल्व नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बाहर टर्म खड़ी है, मोनोमियल खड़ा है, ये अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, आपको पता ही होंगी ये चीजें। तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखो 9x/2 को 3x/2, थोड़ा सा ध्यान दो, नंबर को नंबर से, ऊपर वाले नंबर ऊपर से, 9 3 27, फिर नीचे नंबर 2 का 2 से करेंगे 4, नीचे वाले नंबर नीचे से, ऊपर वाले नंबर ऊपर से, ऊपर वाला एक्स ऊपर से, ये एक्स की 1 पावर है, एक्स की 1, एक्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, पावर ऐड होती है इनकी, ठीक है बेटा। प्लस, अब इससे हो गया, ये प्लस का साइन मैंने यहां लगा दिया, अब इसको 1 से भी करना है, 9x/2, दिस इज योर आंसर, दैट्स इट, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आओ बेटा इसको देखें, 102 को, 102 आप बोलोगे सर कहां मैच कर रहा है, बेटा इसको ब्रेक करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी ब्रेक करना पड़ेगा। देखो हो गया मैच, बीच में प्लस, ऊपर क्यूब, यही तो दो पॉइंट नोटिस करने वाले हैं इस आइडेंटिटी के लिए। लेफ्ट से फेस मैच हो गया, राइट में वैल्यू रखोगे, रखोगे कैसे, पहले इसके नीचे ए प्लस बी होल क्यूब लिख लो ताकि आपको ईजी रहे। ए के प्लेस पर हमारे पास है 100, ठीक है, और बी के प्लेस पर हमारे पास है 2, ये दो वैल्यूज हमने ए बी की निकालनी होती है, ये तो इजी काम है। अब ये दोनों वैल्यूज कहां रखनी है, इधर से फेस मैच हुआ तो राइट में वैल्यूज रखनी है, यहां रखेंगे, रखो ए की जगह 100, फिर ऊपर आ गया क्यूब, प्लस
प्लस बी, बी की जगह 2 रखेंगे, 2 के ऊपर आ गया क्यूब प्लस 3, फिर ए रखेंगे, ए की जगह 100, फिर बी आ गया हमारे पास, फिर 2, फिर हाँ बेटा हमने ये वैल्यूज रख दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 100 का क्यूब यानी 100 × 100 × 100, तो सीधा सा है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, 2 जीरोज है ना, 6 जीरोज हो जाएंगे, 2 × 3 = 6 जीरोज, 2 × 4 = 6 जीरोज लगाओ, प्लस 2 का क्यूब करना हो तो 2 × 4 = 8, प्लस अब फिर वही बात मैंने आपको बोला था, अभी देखो 100 प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वो अभी हम मल्टीप्लाई उनको कर लेंगे, ठीक है। इधर तो यहां कर नहीं सकते थे प्लस, हम तभी हमने दोनों को 1/1 मल्टीप्लाई, कई बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके इधर ऐसे करते हैं, वो भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। ये देखो अब पहले आपको बाहर वालों को तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 300, 3 × 2 = 6, 6 × 100 = 600, ऐसे कर लिए, जरूर थोड़ा ना इसको करना है फिर इससे, जैसे जैसे मन करे आपका। फिर ब्रैकेट आ गया 100 प्लस 2, इनको तो प्लस कर सकते हैं ना, तो ये हो गया 102, ठीक है बेटा। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना, यहां एक आंसर आएगा, फिर ये 1, 2 और ये 3, तीनों आंसर्स को, ऑल 3 आंसर्स हैज टू बी एडेड, तो योर आंसर विल बी 1061208, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। आइए बेटा एक दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं, बिल्कुल बस प्लस नहीं होगा, वो माइनस होगा। हाँ बेटा ये देखिए, वो वाली आइडेंटिटी जो भी हम करके आए हैं, वहां पे क्या आइडेंटिफिकेशन थी, यहां सेंटर में प्लस था, ऊपर 3 था वो भी, लेकिन यहां माइनस आ गया, वो प्लस वाली आइडेंटिटी थी। देखो अब इसका फेस मैच कर रहा है इससे, बीच में माइनस ऊपर क्यू, यही दो चीजें मैच करनी है, दो टर्म बीच में माइनस ऊपर क्यू। अब आपकी लेफ्ट साइड यानी आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड इक्वल के इस तरफ लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से फेस मैच कर रहे हैं, तो आप इसके ए, इसके जस्ट नीचे लिख दो ए माइनस बी होल क्यूब, क्योंकि फेस इसी से मैच कर रहा है। हमारी आइडेंटिटी में ए है बट क्वेश्चन में क्या है 2a, तो हम a को रिप्लेस करेंगे 2a से, यानी a की वैल्यू 2a है। बी जो है 3b, बी इज 3b, डोंट टेक साइन, कई बच्चे यहां माइनस 3b लेते हैं, बेटा माइनस नहीं लेना क्योंकि आप आइडेंटिटी ही माइनस की ऑलरेडी लगा रहे हो, तो यू डोंट नीड टू टेक साइन ऑल्सो, आपको सिर्फ 3b पिक करना है। ए बी की वैल्यू पिक कर ली, अब कहां रखोगे इसको, राइट साइड में, यहां पे रखनी है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बेटा ये वाले। ए हटाओ यहां पे रखो, ए की जगह पे क्या रखना है हमारे को, जहां जहां ए आएगा 2a, जहां जहां बी आएगा वहां पे 3b, रखते जाओ बेटा यहां पे, रखें 2a ऊपर ब्रैकेट लगा के वैल्यूज रखना है, ये ध्यान रख लेना, कई बच्चे ऐसे 3b क्यूब लगा देते हैं, अरे भाई ब्रैकेट 3b क्यूब का मतलब सिर्फ बी पे क्यूब लगा दिया आपने, माइनस माइनस आया, तो अब ये देखो इस आइडेंटिटी में सारी जगह माइनस माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, उसमें सारे प्लस थे, याद रखने का तरीका है बेटा ये भी। अब तीसरा 3, फिर a आया, a की जगह हमने क्या रखना है 2a ब्रैकेट, फिर 3b आया तो हमने 3b रखना है ब्रैकेट, फिर a माइनस b, a के प्लेस पे तो हमारे पास 2a है, जहां भी a आता जाएगा हम a हटाते जाएंगे, b के प्लेस पे क्या रखते जाएंगे 3b, ठीक है। अब फिर भाई अब इसका एक सम सॉल्व करो, 2 का क्यूब और a का क्यूब, 2 का क्यूब 2 × 4 = 8 और a क्यूब ऐसे हो जाता है, माइनस 3 क्यूब 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 b क्यूब माइनस। अब ये देखो वही बात आ गई, इस वाले बाइनोमियल को भी कुछ नहीं करना, बाहर जितने भी मोनोमियल है पहले इनको मल्टीप्लाई किया करो, ठीक है, ये तीन पहले मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 इनको भी कैसे करना है, पहले नंबर्स 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18 और ए बी को साथ में प्लेस कर दो, दैट्स इट। और अंदर क्या है हमारे पास 2a माइनस 3b, अभी अब ये टर्म सॉल्व, ये टर्म सॉल्व, ये रह रही है क्योंकि जब तक ब्रैकेट खत्म नहीं होते तब तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अब करते हैं इसको, ये देखो 18ab को आपने 2a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पहले नंबर को नंबर से करो, 18 × 36, फिर a देखो, ए बाहर 1 पावर है अंदर भी 1 पावर है, ए की पावर कितनी हो गई 2, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, फिर बी अंदर तो बी है नहीं तो बी ऐसे ही प्लेस कर दो, गॉट इट। अब अंदर ये अंदर वाला साइन ये जो माइनस है बाहर माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएगा, ये बहुत गलतियां बच्चे आज तक भी करते आए हैं, ठीक है बेटा आप ध्यान रखना इस बात को। अब 18ab को हमने 3b से करना है, इसको भूल जाओ, अब हमने इससे करना है, 80 पहले नंबर करो, 18 × 3 = 54, फिर a देखो, a की 1 पावर है अंदर तो a है ही नहीं तो a ऐसे ही प्लेस कर दो 1 पावर वाला, b
वन पावर बाहर है और वन पावर अंदर है, मल्टीप्लाई करोगे तो बी की पावर टू हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। बस ये था बेटा, इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। आओ बेटा इवेल्युएट इसको भी देख लेते हैं। 998 आपको पता है 1000 में से 2 माइनस करके आएगा, ठीक है, और ऊपर क्यूब, ठीक है। अभी पीछे 102 वाला क्वेश्चन हम करके आए थे, उसमें 100 में प्लस करके आ रहा था क्यूब, 100 प्लस 2 क्यूब, तो उसमें आइडेंटिटी दूसरी लगी थी। इधर माइनस करके आ रहा है इसलिए आइडेंटिटी माइनस वाली लगेगी, सिंपल। अब देखो फेस मैच कर रहा है ना, बीच में माइनस ऊपर क्यूब, दो नंबर बीच में माइनस ऊपर क्यूब, हो गया मैच। बस अब इसके नीचे a माइनस बी क्यूब लिखो, क्योंकि जिससे फेस मैच हो रहा है, लिख दिया करो। a के प्लेस पर हम रखेंगे 1000, यानी a इज टेकन एज 1000, और b के प्लेस पे हम क्या लेंगे 2, गॉट इट। बस अब कहां रखोगे वैल्यूज a b की, इधर, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। a की जगह रखो 1000 और ऊपर क्या आएगा 3, फिर माइनस आ गया, फिर b रखो, फिर माइनस आ गया, फिर 3 आ गया। कोई भी नंबर, कोई भी साइन नहीं हटाना, कोई कुछ भी नहीं हटाना, सिर्फ ए बी हटा के वहां पे वैल्यूज रखनी है 1000, और फिर बी आ गया तो 2, और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए इज व्हाट 1000, बी इज व्हाट 2, ठीक है। अब 1000 का क्यूब यानी 9 जीरोस, 3, 6, 8 एंड 9, 9 जीरोस क्यों, 3 टाइम्स हो जाएंगी जीरो, अंदर 3 है, 3 × 3 9 जीरोस हो जाएंगी, माइनस 2 × 2 × 2 8 माइनस। अब फिर वही बात आती है, ये दोनों माइनस हो सकते हैं, ये दोनों को, ये पहले बाहर वाले जो मोनोमियल्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 2 = 6, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000, और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, 1000 - 2 क्या होता है 998, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और तीनों टर्म को माइनस कर दीजिए, ठीक है, इसमें से ये, फिर जो इनका मल्टीप्लीकेशन का आंसर आएगा वो भी माइनस करेंगे, आंसर विल बी 970299, गॉट इट, क्लियर है बेटा। तो बेटा इस तरीके से, अगर चाहें तो बेटा इसके अंदर अगर माइनस नहीं करना चाहते आप, तो आप इसको पहले 1000 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। ओके बेटा, आई होप बेटा आपको सारा टॉपिक समझ आया होगा। नहीं समझ आया बेटा, वीडियो एक बार दोबारा देख लो, मैंने अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश की है। और बेटा कमेंट करके बताओ आपका मैथ्स इंप्रूव हो रहा है क्या, आप सीख रहे हैं, आपको वीडियो से हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच बेटा।